एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। अरे तेरे को दिखता नहीं वैसा कितने आदमी है। सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करते हैं। कौन सी एक्ट्रेस नजर आएंगी सलमान के साथ? क्या फिर होगी किसी साउथ फिल्म की कॉपी? क्या फिर एक बार नजर आएंगे सलमान और प्रकाश झा एक साथ? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीक्रॉस स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। वॉन्टेड एक ऐसी फिल्म है जो सलमान के साथ साथ उनके फैंस के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट फिल्म थी, क्योंकि इस फिल्म के बाद फिर से एक बार सलमान खान का नाम बॉक्स ऑफिस पर आगे आया था और इस फिल्म में उनकी जबरदस्त एक्टिंग, एक्शन और डांस की वजह से ये फिल्म एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। और जब हाल ही में राधे यू मोस्ट वांटेड भाई आई थी तब सबको ये लगा था कि ये वांटेड का ही सीक्वल है, लेकिन मेकर्स ने ये क्लियर कर दिया था कि वांटेड 2 नहीं है ये, और तभी से हम सभी को इस एक्शन फिल्म के पार्ट 2 के आने का इंतजार है। वांटेड में सलमान के साथ आयशा टाकिया नजर आई थी, जिन्हें टार्जन द वंडर कार के लिए फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला था और ये फिल्म उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म थी और इसमें उन्होंने सलमान का बखूबी साथ दिया था। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म के बाद ही उन्होंने कोई खास फिल्में नहीं की थी और इसलिए अब सोचने वाली बात यह है कि इस फिल्म में सलमान की हीरोइन कौन बनेगी। वैसे तो दोस्तों, सलमान की जोड़ी हर एक्ट्रेस के साथ अच्छी जमती है, लेकिन उन्हें ज्यादातर ही कैटरीना कैफ और जैकलिन फर्नांडिस के साथ पसंद किया जाता है और इस फिल्म में भी उनके साथ इनमें से ही कोई सी एक्ट्रेस नजर आ सकती है या फिर वो किसी नई हसीना को भी डेब्यू करवा सकते हैं। वैसे इस फिल्म में हमें उनके साथ इलियाना डिक्रूज को भी देखा जा सकता है, क्योंकि फिल्म वांटेड एक साउथ मूवी पोकिरी की रीमेक थी जिसमें इलियाना महेश बाबू के ऑपोजिट नजर आई थी, तो हो सकता है कि इस फिल्म में उन्हें चांस दिया जाए। और सलमान साउथ फिल्मों के रीमेक्स में आने के लिए काफी जाने जाते हैं, तो इस पर यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वांटेड 2 भी किसी साउथ फिल्म का ही रीमेक होगी और ये फिल्म 2013 में एनटीआर जूनियर और काजल अग्रवाल की आई एक्शन कॉमेडी फिल्म बादशाह जैसी हो सकती है, जिसकी कहानी वांटेड से मिलती जुलती है और इस फिल्म को साउथ और हिंदी ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। तो ये पॉसिबल है दोस्तों कि इस फिल्म की कहानी को इस पर ही बेस करके दोबारा से रिक्रिएट किया जा सकता है। वांटेड 2 को लेकर एक खास बात ये भी है कि फिल्म में एक बार फिर से हमें सलमान खान और प्रकाश झा एक ही फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं। ये दोनों वांटेड के अलावा और किसी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आए हैं और प्रकाश झा को दोस्तों साउथ के साथ साथ हिंदी ऑडियंस भी काफी पसंद करती है और वो अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सबके फेवरेट बन गए हैं, इसलिए उनके बिना तो वांटेड 2 अधूरी रहेगी ही। अब क्या आप भी एक्साइटेड हैं वांटेड 2 के लिए? हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीक्रॉस स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर हैं मनीषा विधानी।